जय गुरु। आज चलिए श्री श्री ब्रह्मा की कुछ दिव्य स्मृति के बारे में आलोचना करेंगे। श्री चक्रपाणी दास दा के लिखित कुछ स्मृति है। पुरुषोत्तम की लीला संगिनी नारी रूपी लक्ष्मी देवी हम सभी की परमाराध्या श्री श्री ब्रह्मा मानव लीला का समापन कर स्वधाम में महाप्राणय के पूर्व लगभग 2.5 वर्षों तक उत्थान शक्ति और वाक शक्ति रहित अवस्था में नाम मात्र आहार कर प्राण धारण किए रही, किंतु इसी अवस्था में भी वे सर्वदा प्रसन्नमुख रहती। शरीर यंत्रणा की किसी भी तरह की अनुभूति प्रकाश नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता मानो शरीर धारण कर भी वे शरीर के बहुत ऊर्ध में अवस्थान कर रही है। इसी तरह से शरीरधारी कोई बच भी सकता है, यह कल्पना के परे है। फिर ऐसे ही शरीर से वे असम, उड़ीसा, रामकनाली आदि जगह अपने पुत्र श्री बड़ौदा के साथ घूम आई। सबके सुख में सुखी और दुख में सहानुभूति प्रकट करती रही। इतना कि जब उनके शरीर में जीवन और मृत्यु का युद्ध चल रहा था, जब डॉक्टरगण उनके जीवन की आशा त्याग कर चुके थे, उस समय भी यदि कोई पूछता बड़मा कैसे हैं आप, तो जवाब देती अच्छी हूँ। उनका इसी तरह से बचा रहने के साथ तुलनीय है। श्री श्री ठाकुर की तरह ही जीवन और मृत्यु उनके भी इच्छाधीन था। लक्ष्मी माँ अपने महाप्राण का समय निर्धारित कर रखी थी। बुद्ध पूर्णिमा के प्रातः 10 बजे एक सुमुहूर्त में उनके जीवन का प्रत्येक पदक्षेप, प्रत्येक छंद, प्रत्येक कार्य पुरुषोत्तम के लीला की ही छाया थी। छाया जिस प्रकार काय का अनुसरण करती है, उसी प्रकार से श्री ठाकुर को अनुसरण कर वे उन्हें और भी वास्तवित मुखरित करती थी। श्री ठाकुर एक दिन स्वयं बोले थे, बड़ा बहू कौन है जानते हो? मैं यदि नारी होता तो मेरा जो रूप होता बड़ा बहू वही है। जिस प्रकार ठाकुर को हम लोग अपने जीवन में पुरुषोत्तम रूप में अनुभव किए हैं, महामहिमामयी बड़ा माँ को भी परा प्रकृति रूप में अनुभव करने का सौभाग्य अनेक को हुआ है। ठाकुर नारी नीति में नारी का जो 8 वैशिष्ट्य का उल्लेख किए हैं, श्री श्री बड़ा माँ प्रत्येक का ही मूर्त प्रतीक थी। पर्दा के पीछे रहकर श्री श्री बड़ा माँ जगत का कितना जो कल्याण कर गई है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। श्री श्री बड़ा माँ थी भक्ति की ही प्रतिमूर्ति। श्री श्री ठाकुर को वे केवल स्वामी रूप में नहीं देखती थी, वे थी परमा प्रकृति रूप में महापुरुष की ध्यानमग्न स्वरूपा। एक बार में श्री श्री ठाकुर की अस्वस्थता के बारे में उनसे जानना चाहा था कि ठाकुर को इस बार ऐसा क्यों हुआ, इसी अस्वस्थता का कोई कारण समझ में नहीं आता है। श्री श्री बड़ा माँ जवाब दी, होगा नहीं, हम तुम उनको समय असमय जिस तरह से व्यथा देते हैं, ऐसे में वो कैसे सुस्त रहेंगे। जब एयर कूलर और ह्यूमिडिफायर शीतल हवा देने वाला पंखा की हवा लगने से श्री श्री ठाकुर का दाहिना भाग असाढ़ हो गया, सुन हो जाता या पक्षाघात ग्रस्त हो जाना, ठाकुर काफ़ी अस्वस्थ हो पड़े थे, तो श्री श्री बड़मा 42 दिनों तक एक अन्न ही नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं की थी। बड़ौदा के बहुत जोर देने पर
मात्र आधा ग्लास नींबू का शरबत पीती और उसके बाद पान खाती। इस तरह से मनुष्य का बचना क्या संभव है? किंतु इससे श्री वर्मा को क्षीण या दुर्बल नहीं देखा गया, बल्कि इससे उनका मुखमंडल ज्योति से और भी विभाषित उज्जवल प्रभा से ज्योतिष्मान हो उठा था। कई दिनों बाद श्री ठाकुर अन्न पथ्य ग्रहण किए, किंतु श्री वर्मा तब तक नींबू पानी ही लेती रही जब तक श्री ठाकुर पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गए। यह ठीक मृत्यु को स्तब्ध करने वाली सावित्री की तपस्या थी। माँ का जीवन बिल्कुल आडंबर शून्य था। उनके चेहरे पर हर समय घूंघट रहता था। अधिकांश समय गृह कर्म में व्यस्त रहती थी। वे खूब सवेरे जगती थी एवं स्नान करने के बाद ठाकुर पूजा या अष्टावृति करती थी। 8 बजे तक उनका रसोई तैयार हो जाता था, उसके बाद फिर एक बार स्नान करती थी। श्री श्री वर्मा को विशेष कोई शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करते नहीं देखा, किंतु उनका ज्ञान था स्वतः उच्चारित और अति गंभीर। बात भी बहुत कम बोलती, कम बातों में ही बहुत भाव प्रकाश करती। जो उनसे जाकर बातें करते, कम बातों में ही धन्य हो जाते। श्री वर्मा थी बहुत गंभीर स्वभाव की, लोग उनके पास जाकर बात करने का साहस बहुत कम ही कर पाते, किंतु जब भी मनुष्य जाकर उनके श्रीचरण में एक बार आश्रम पाता, भक्ति के आवेश में परिपूर्ण हो जाता। लोगों के मुँह से ही सबकी खोज खबर लेती रहती एवं सबका कल्याण जैसे हो उसकी चिंता करती। जहाँ जितना भर करने का प्रयोजन होता उतना करने में कोई त्रुटि नहीं रखती। गृह कर्म में हर जगह उनका हिसाब रहता, किसी वस्तु का अपव्यय नहीं करती, सब वस्तु ही सहज समेट कर रखती। प्रयोजन होने पर उसका व्यवहार करती, वे संचय करती केवल ठाकुर के लिए। एक बार श्री ठाकुर सदैव श्रद्धा से 25 स्वर्ण मुद्रा मांगे थे। लोगों के मुंह से यह जानने पर श्री वर्मा उनको बुलाकर अकेले ही 25 स्वर्ण मुद्रा दी थी। श्री ठाकुर के प्रयोजन के लिए वे थी मुक्त हस्त। जय गुरु।